खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नोएडा पुलिस ने एक ऐसी गिरोह का खुलासा किया है जो पहले लोगों को हनी ट्रैप में फंसाता है और धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूल करता है। पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 सदस्य अभी भी पुलिस से फरार चल रहे हैं। आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 39 में रहने वाले मनोज कुमार के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और उन्हें धोखे से अपने पास बुलाकर उनकी वीडियो बना ली और उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। मामला करीब 1 लाख पर तय हुआ, लेकिन इससे पहले पीड़ित मनोज के बेटे ने नोएडा की थाना सेक्टर 39 पुलिस में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए इन गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इनके पास से वसूले हुए 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इन लोगों के फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। तो पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं बाकी साथियों को भी गिरफ्तार करने में लगातार लगी हुई है। पकड़े गए लोगों के पास से 1 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। 3 सदस्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। तो गोंडा से पुलिसकर्मियों की दमगई का मामला सामने आया है। दरअसल बीते 3 फरवरी को एक युवक बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे निकालने गया था, लेकिन पैसा निकालने के कुछ देर बाद ही उसका पैसा बैंक के अंदर से गायब हो गया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों से की। लेकिन शिकायत सुनते ही पुलिसकर्मियों ने पीड़ित के साथ ही मारपीट शुरू कर दी और पीड़ित को हिरासत में ले लिया। पूरे मामले की जानकारी शाम तक जब पीड़ित के घर वालों को हुई, तब जाकर घर वालों ने उसे पुलिसकर्मियों के पास से छुड़वाया। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी सदर को सौंप दी गई है। जांच के बाद जो बात सामने आएगी, उसके हिसाब से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।